हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आज भी लाइव में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया, ठीक है, बहुत लाइव नहीं कर पाया, पर फिर भी समझ में आया कि लाइव ट्रेडिंग में भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इतना बताकर भी ट्रेड नहीं ले पा रहे या फिर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से बिल्ड होना चाहिए, आज सब कुछ मैंने पहले से ही बता दिया था। इसके ऊपर निकलेगा तो हम फिर से बाइंग करेंगे। आज प्राइस एक्शन आया, ये मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 750 तक ये मुझे दिख रहा है, ऐसा मैंने बोला था आज के लाइव में। आप लोग जाकर लाइव का वीडियो लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 750 तक का बोला था। क्यों ये बोला था? क्योंकि एलटीपी, बहुत लोग एलटीपी कैलकुलेटर बोलते हैं, काम नहीं करता, काम नहीं करता है, वो सब काम करता है। एलटीपी कैलकुलेटर में देखकर ही बोल दिया था मैंने कि ये जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 700 और 750 के स्ट्राइक प्राइस पर भी ये देखा था कि पुट के जो है, पुट के एग्रेसिवली बढ़ रहे थे, ठीक है। पुट के राइटर जो है वो एग्रेसिवली बढ़ रहे थे, और 750 के लेवल पर भी ये दिख रहा था कि पुट के राइटर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर 750 के लेवल पर भी पुट राइटर बढ़ रहे थे, और 650 की अगर बात करें या फिर 600 की स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें, तो एग्रेसिवली वहाँ पर पुट राइटिंग हुई। ये मैं मॉर्निंग से ही बता रहा था कि पुट राइटिंग यहाँ पर हो रही है, कॉल राइटर यहाँ से निकल रहे, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से आज माहौल रहा कुछ, तो चलिए जान लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे कि हमें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यहाँ पर सपोर्ट क्लियरली, यहाँ पर सपोर्ट था, कैंडल भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर क्लोजिंग किया। इसके बाद में ईएमए को भी इसने रिस्पेक्ट किया, ईएमए का भी हमारा क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पर, ठीक है, मूविंग एवरेज का। एक बार मैं आपको मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। मूविंग एवरेज 13 ईएमए हम लोग फॉलो करते हैं, 13 ईएमए का भी यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ था। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था कि ये क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी ये देखने के लिए मिला था। अभी अभी देखो सेटअप क्या बोल रहा है। सेटअप ये बोल रहा है कि सपोर्ट एक फाइंड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड किया है इसने, और ये मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, रिटेस्ट भी किया, फिर से ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड लेकर, मतलब क्या पॉइंट इसमें क्या है कि आप यहाँ पर एक ट्रेड लेकर स्टॉप लॉस डाल दो ना, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करो, तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये नीचे गिर जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऐसा फैक्टर है मार्केट के अंदर, अगर आप आ रहे हो मार्केट में काम करने के लिए, अगर आप आ रहे हो तो आपको लॉस होना ही होना है। 101% आप लॉस को बिल्कुल भी यहाँ से कट नहीं कर सकते, और कट करने की कोशिश भी मत करो, कि ये माइंड सेट मत रखो कि लॉस मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लॉस आपको होगा ही होगा, पर हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से मार्केट को लॉस देंगे, ठीक है। मार्केट की मर्जी से अंधाधुंध हमें लॉस नहीं करना है। एक प्रिडिक्शन होता है, कैलकुलेशन होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट होता है। अगर सपोज मेरे पास अगर 20K है यहाँ पर, 20,000 रुपीज मेरे पास अगर है, और मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ जिसका स्टॉप लॉस मेरा 1,000 रुपीज का भी बनता है, ठीक है, 1,000 रुपीज का भी मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा रिस्क कितना हुआ ये आप कैलकुलेट करो, और मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा मिलेगा। यहाँ से मुझे कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। मैं बाइंग में बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखता, या फिर रखने के लिए बोलता, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत सफिशियंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी सेगमेंट में आप काम करो, स्टॉक में काम करो या फिर इंडेक्स में काम करो, ऑप्शन सेलिंग बाइंग करो, 1:2 इज द आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। 1:2 का आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर होता है। अगर आप दिन का रिस्क ले रहे हो 1,000 रुपये का, तो आप लोग एक्सपेक्ट करो कि वहां से मैं 2,000 रुपीज यहाँ से प्रॉफिट लेकर मुझे कम से कम निकलना है, ठीक है। तो आप एक कैलकुलेशन किया कि मुझे यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लग रहा है, 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा कैपेसिटी है 1,000 रुपये का, तो मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ यहाँ पर, कितने लॉट्स में ले सकता हूँ, ठीक है। उतने लॉट्स आपने लिया, ठीक है, ये इसके बाद में भी अगर फेल हो गया तो फिर उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। खुद को ब्लेम मत करो, या फिर सिस्टम को, या फिर जो आपको बता रहा है, जो सेटअप है आपके ऊपर, उस पर डिसबिलीव मत करो, ठीक है।
सेटअप आपका 100% काम करता है, कोई भी सेटअप वो काम करेगा हमेशा, पर आप उसके ऊपर कितना टाइम देते हो, आप उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हो। सेटअप के ऊपर प्रैक्टिस देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और जो एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस भी आप लोग अगर अभी वीडियो मेरा देखोगे तो आप लोग याद, जो भी लाइव में थे लोग, उनको ये दिखेगा कि ये बोल रहा था मैं, ये नीचे आकर इस तरीके से घूम जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नीचे आकर ऐसे घूम जाएगा, मैंने ये बोला था कि ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज इसी एरिया में मैंने दो पॉसिबिलिटीज बताई थी, या तो ये प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर ये प्राइस एक्शन बनाकर इसको ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली, अगर पैटर्न्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न शो हो रहा है आपको? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। दिखने वाले को सब दिख जाता है, जो चार्ट देख रहा है ना, तो जो चार्ट रीडिंग अच्छी तरीके से कर रहा है ना, उसको पैटर्न दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये बात भी बोली थी आपको कि ये थोड़ा रेजिस्टेंस का एरिया 700 का हो सकता है, यहाँ पर एक रिएक्शन आ सकती है जो कि प्राइस एक्शन बना सकता है, तो वो उसने बनाया। फिर ये वापस से जाकर स्कैल्पिंग आपको यहाँ पर भी मिला होगा, ठीक है, करने वाला यहाँ पर भी पैसे कमा लिया होगा पुट के साइड में, ठीक है। फिर आपको ये दिख रहा है, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर ये जा रहा है, 13 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये यहाँ पर मैंने बोला था इसके ब्रेकआउट के बाद ये कहाँ तक जा सकता है, 750 तक जा सकता है। क्यों मैं ये बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने 750 का आपको दिखाया भी था, 19,750 का मैंने यहाँ पर दिखाया था कि ये 750 पर भी पुट राइटर बढ़ रहे हैं, 700 पर भी पुट राइटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। 650 पर ऑलरेडी बढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये बात मैंने लाइव में बताई थी आपको, लाइव में आपको इतना सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं करते हो तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करो, आपको मॉर्निंग में ही मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैं लाइव आ चुका हूँ, ठीक है। वहां पर मैं लाइव यहाँ पर सिखाता हूँ, ठीक है। सीखने के पर्पज से आना, आप लोग पैसे कमाने के पर्पज से अगर डिसबिलीव लेकर आओगे तो आप कभी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये कभी नहीं कर पाओगे। कमाने वालों ने आज भी लाइव में, एक बंदे ने डाला था 14,000 का प्रॉफिट उसने किया यहाँ पर कॉल के साइड में, ठीक है। तो ये आपको साइकोलॉजी सीखना है। और अभी ये देखो ना कि मॉर्निंग का 5 मिनट का कैंडल ही कितना बड़ा बन गया था। ये कैंडल की अगर आप साइज देखोगे, इस कैंडल की साइज अगर मैं टॉप से लेकर बॉटम तक दिखाऊँ आपको, तो सॉरी ये हो गया मेरे से गलती से, ठीक है। ये प्राइस का हम लोग लगा लेते हैं, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी साइज थी, ये 75 पॉइंट्स का ये कैंडल बना था, ठीक है। 75 रुपीज 5 मिनट के अंदर फॉल होना, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इन निफ्टी, ठीक है। निफ्टी के अंदर ये बड़ी बात है, इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके यहाँ पर सपोर्ट फाइंड किया ना, क्यों नहीं किया, सपोर्ट फाइंड दिख रहा था ना 600 पर, ये सपोर्ट मॉर्निंग में ही था हमारे पास, ठीक है। और ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका, सब लोगों को पता है कि वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ और वो सामने से जाकर वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका, ठीक है। 100% ये अभी सपोर्ट 700 का ही है। तो ये बात मॉर्निंग में दिख रही थी हमें कि बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट है। फिर भी आप लोग अगर पुट का ही ट्रेड देखोगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, तो फिर कैसे चलेगा? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्यों है? फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, 1.0, ये रूल्स क्यों बनाए गए, इसको आप लोग समझो, ठीक है। मैं ये अभी तीसरा दिन है, ठीक है, तीसरा दिन है ये गलती करने का, अभी भी सीख जाओ, ठीक है, टाइम है, अभी भी सीख जाओ। बार बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नहीं होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बार बार नहीं मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बार बार मार्केट नहीं मिलेगा। आज आया था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट नहीं आया, कुछ तो प्राइस एक्शन को, प्राइस एक्शन के मायने रखो, कुछ तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, 2.0 को थोड़ा तो भी मान लो, है ना, तो आपका काम बन जाएगा। इस पर अगर 100% बिलीव करोगे तो ही आपका काम होने वाला है। यहाँ पर 600 की अगर मैं लगा लूँ, यहाँ पर 600 की अगर मैं बात करूँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, तो वो 600 का मॉर्निंग से ही ये पुट राइटर यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। मॉर्निंग में ही ये चार्ट बन बन रहा था, और मॉर्निंग में मैंने बता दिया था ये कॉल का ट्रेड आपके इस साइड पर बन रहा है, मूविंग एवरेज के बाद ये आप ट्रेड ले सकते हो। चलो वो जाने दीजिए, यहाँ पर एक रिएक्शन आने वाली थी, ये कैंडल ने उस रिएक्शन को दिखाया। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद आपका ट्रेड 101% बन रहा था, ये भी आपको ट्रेड मिल जाता है। यहाँ से लेकर ये कितने पॉइंट, मैं आपको अगर
कैलकुलेट करके दिखा हूँ, इस कैंडल के टॉप पर भी आप लोगों ने बाई किया होता ब्रेकआउट के बाद, तो भी आपको कितना कितना मिल गया पॉइंट्स यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया है, ठीक है, 37 पॉइंट्स, 37 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ा, उसमें 10 रुपये तो कॉल बढ़ा होगा ना, आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते? 10 रुपये तो कॉल बढ़ा ही होगा, वो भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट को बुक करो, प्रॉफिट को बुक करो। लास्ट में ये देखना, लास्ट में किस तरीके से 700 पर बार बार, अभी ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, अब ये जब ब्रेकआउट हो रहा होगा ऊपर की, ये नीचे नहीं कर रहा ना, तो ये ऊपर तो करेगा ब्रेक, या फिर यही घूमता रहेगा, ठीक है। तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, इस ब्रेकआउट के बाद में एंट्री करूंगा, इस नीचे का, नीचे वाला मेरा कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं यहाँ पर कितने पॉइंट के लिए खेलूंगा, 50 तक मैं यहाँ पर खेलता, पर ये 60 रुपये तक ऊपर गया, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग में कर चुका होता, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट का अपना काम चल रहा है, प्री स्टडी मटेरियल में अभी बना रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, और कोर्सेज भी जल्दी से लॉन्च होने वाले हैं, तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक वीडियो में कवर कर नहीं सकते। मैंने एक बुक लिखी है, तो बुक भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, अब कोर्स परचेस करने के बाद वो गिफ्ट में आपको दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड हमारा पहले दिमाग में बनता है, फिर वो चार्ट के ऊपर उस तरीके का ट्रेड बनता है, फिर जाकर हम उसे सिस्टम में लगाते हैं, यही साइकोलॉजी। आने वाले टाइम में आप लोग मेरे साथ में भी ट्रेड करोगे, ठीक है। वो चीज़ अपन लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। आई नो बहुत लोग जो है वो एक्साइटेड है उसके लिए, लाइव ट्रेड के लिए मेरे साथ, तो हम लोग वो जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आज के वीडियो में इतना ही था, प्राइस एक्शन को समझो थोड़ा सा, प्राइस एक्शन वाले मेरे वीडियोस देखो, ठीक है। ये चीज़ आपको कंसोलिडेशन क्या है ये वहाँ पर आपको समझ में आएगा, और ये ब्रेकआउट पर ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में फिर से हम लोग ट्राई करेंगे मार्केट को ट्रैक करने के लिए, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।